अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7 न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश चैप्टर 2 लाइट इन द नाइट की कंप्लीट रीडिंग करेंगे। रीडिंग करने से पहले हम वर्ड्स टू नो की जानिब आते हैं, जिसमें पहला वर्ड है इन फोर्स, टू मेक श्योर समथिंग इज डन, अमल दरामद करना। सेकंड है विक, अ स्ट्रिंग इन ऑयल और इन द मिडल ऑफ अ कैंडल, एक ऐसी रस्सी जो कि तेल में हो या मोमबत्ती के दरमियान में हो, That is lit for burning, जो जलने के काम आए। London is a major capital city. London एक बड़ा दारुल हकुमत है। At night it glows brightly like most modern cities. रात के वक्त ये ज्यादातर जदीद शहरों की तरह चमकता है। Before the 1700th century, London was much smaller than it is now. 1700 की दहाई से पहले लंदन अब की निस्बत बहुत छोटा था। On cloudless, moonlit nights, people would take advantage of the moonlight and go out to socialize. बादल के बगैर चांदनी रातों में लोग चांदनी से फायदा उठाते और सामाजिक मेल जोल के लिए निकल जाते। But night time in the city could be dangerous. लेकिन शहर में रात का वक्त खतरनाक हो सकता है। You could trip, fall and injure yourself. आप सफर कर सकते हैं, गिर सकते हैं और अपने आप को जख्मी कर सकते हैं। If you fell in the river, you could drown. अगर आप दरिया में गिर गए तो आप डूब सकते हैं। You could be attacked or robbed by criminals who roamed the streets. सड़कों पर घूमने वाले मुजरिम आप पर हमला कर सकते हैं या लूट सकते हैं। You could easily get lost. आप आसानी से खो सकते हैं। If people wanted to go out at night, they would have to carry a burning torch or lamp, or if they were rich enough, pay someone else to carry it. अगर लोग रात को बाहर जाना चाहते हैं तो इन्हें जलती हुई मशाल या चिराग लेकर जाना पड़ेगा, या अगर वो काफी अमीर हैं तो उसे ले जाने के लिए किसी और को पैसे देंगे। There were many link boys who would for a small fee hold a burning torch or lamp ahead of people so that they could see the way through the dark streets. बहुत से लड़के थे जो थोड़ी सी फीस के इवज जलती हुई टॉर्च या चिराग लोगों के आगे रखते थे ताकि वो अंधेरी गलियों में से रास्ता देख सकें। Some of these link boys were dishonest and would rob the people who had employed them and then run off and leave them in the dark. इनमें से कुछ लड़के बेईमान थे और उन लोगों को लूट लेते थे जिन्होंने इनको मुलाजमत दी थी और फिर भाग कर अंधेरे में छोड़ देते थे। By the early 1700th century, busy cities like London and Paris had street lamps in some areas. 1700 की दिहाई के अवायल तक मसरूफ शहर जैसे लंदन और पेरिस में कुछ इलाकों में स्ट्रीट लैंप लगे थे। In Paris, which had street lamps before London, the first street lamps were actually lights placed in the windows of houses. Paris में, जिसमें London से पहले street lamp थे, पहले street lamp दरअसल घरों की खिड़कियों में लगाई गई रोशनियां थीं। Police enforced a law that said every house had to have a lamp burning in the window all night long. पुलिस ने एक कानून नाफिस किया जिसके मुताबिक हर घर की खिड़की में रात भर चिराग जलाना जरूरी था। If the lamp went out, people would have to get up to relight it or face being fined. अगर चिराग बुझ जाए तो लोगों को उसे जलाने के लिए उठना पड़ेगा, वरना जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। Some people started to offer their services as lamp lighters. कुछ लोगों ने चिराग जलाने वाले के तौर पर अपनी खिदमात पेश करना शुरू कर दी। In return for payment, lamp lighters would put up a lamp
आउटसाइड द हाउस एंड मेक श्योर इट वॉज लिट। अदायगी के बदले चिराग रोशन करने वाले घर के बाहर एक चिराग लगाते और इस बात को यकीनी बनाते कि वो रोशन हो। द स्ट्रीट लैम्प्स री एश्योर्ड पीपल एंड मेड देम फील सेफर। स्ट्रीट लैम्प ने लोगों को यकीन दिलाया और इन्होंने महफूज महसूस किया। द अथॉरिटीज रियलाइज द बेनिफिट्स। दे ब्रॉट एंड टुक ओवर द इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ देम। हकाम को इनके फवायद का एहसास हुआ और इन्होंने इनकी तंसीब और देखभाल का काम संभाल लिया। ऑल ओवर यूरोप द यूज ऑफ लैम्प पोस्ट्स ग्रू। पूरे यूरोप में लैम्प पोस्ट्स का इस्तेमाल बढ़ गया। इन द 1700th सेंचुरी लंदन ग्रू रैपिडली एंड बिकेम द वर्ल्ड्स सेंटर ऑफ ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग एंड फैशन। 1700 की दहाई में लंदन ने तेजी से तरक्की की और तजारत मैन्युफैक्चरिंग और फैशन को दुनिया का मरकज बनाया। बिजनेस बिकेम इम्पोर्टेंट एंड लाइट्स वर नीडेड टू कीप द सिटी वर्किंग एंड एंटरटेनिंग इन द नाइट। कारोबार अहम हो गया और रात को शहर को काम करने और तफरी फराहम करने के लिए रोशनियों की जरूरत थी। By the late 1700th century, London had so many street lamps that visitors to the city were amazed by them. 1700 की दहाई के आखिर तक लंदन में इतने ज्यादा स्ट्रीट लैम्प थे कि शहर आने वाले इनसे हैरान रह जाते थे। The lamps were fueled by wax or oil that gave off an unpleasant smell and often dripped. लैंपों को मोम या तेल से ईंधन दिया जाता था जिससे एक नागवार बू आती थी और अक्सर टपकती थी। मैनी पीपल वर एम्प्लॉयड एज लैंप लाइटर्स बिकॉज ईच लैंप हैड टू बी लिट बाय हैंड एवरी इवनिंग। बहुत से लोग लैंप लाइटर के तौर पर काम करते थे क्योंकि हर चिराग को हर शाम हाथ से जलाना पड़ता था। वन जर्मन टूरिस्ट visiting London in the 1700th century wrote in his diary, as it was quite dark. When I came back the first evening, I was astonished at the admirable manner in which the streets are lighted up. 1700 की दहाई में लंदन जाने वाले एक जर्मन सियाह ने अपनी डायरी में लिखा, चूंकि काफी अंधेरा था जब मैं पहली शाम वापस आया, गलियों में जिस काबिल सताइश अंदाज में वो रोशन कर रहे हैं मैं हैरान रह गया। द ब्राइट लैम्प्स मेड द सिटी सीम एक्साइटिंग एंड लिवली। रोशन चिरागों ने शहर को पुरजोश बना दिया। द लैम्प्स आर सो नियर ईच अदर दैट इवन ऑन द मोस्ट ऑर्डिनरी एंड कॉमन नाइट्स द सिटी हैज द अपीयरेंस ऑफ अ फेस्टिव इल्यूमिनेशन। जानदार लैम्प एक दूसरे के इतने करीब हैं कि इंतहाई आम पर भी और आम रातों में शहर एक त्योहार की रोशनी का जहूर है। द लैम्प लाइटर्स क्विकली बिकेम एन इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूड पार्ट ऑफ सोसाइटी। चिराग रोशन करने वाले तेजी से मुआशरे का एक अहम और काबिले कदर हिस्सा बन गए। दिस वॉज बिकॉज दे ऑफन बिकेम अ की फिगर इन देयर कम्युनिटीज। इसकी वजह ये थी कि वो अक्सर अपनी बरादरियों में अहम शख्सियत बन जाते थे। दे वुड वॉक द सेम रूट ट्वाइस अ डे एंड एज दे चेक्ड क्लीन्ड फिक्स्ड लिट और पुट आउट द लाइट्स दे वुड नोटिस व्हाट वाज गोइंग ऑन अराउंड देम। वो दिन में दो बार उसी रास्ते पर चलते थे और जब वो चेक करते, साफ करते, ठीक करते, रोशन करते या लाइटें लगाते तो वो देखते कि इनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मैनी लैंप लाइटर्स हैव टू मेक देयर रूट सेफर। बहुत से लैंप लाइटर्स ने अपने रास्तों को महफूज बनाने में मदद की। देयर जॉब रिक्वायर्ड एनर्जी स्ट्रेंथ एजिलिटी एंड रिलायबिलिटी। इनके काम के लिए तवानाई ताकत चुस्ती और भरोसे की जरूरत थी। They had to keep the lights clean, make sure the wicks were trimmed to the right length, light tens of lamps in the evening. इन्हें रोशनियों को साफ रखना था
इस बात को यकीनी बनाना था कि विक्स सही लंबाई में तराशे गए हों। शाम को दसियों लैंप रोशन करें और सुबह इन सब को दोबारा बुझाएं। Many lamp lighters were pleased to be guardians in their communities and often the job would be passed on from parent to child. बहुत से चिराग रोशन करने वाले अपनी बिरादरियों में सरपरस्त बनकर खुश होते थे और अक्सर ये काम वालिदैन से बच्चे को दिया जाता था। The lamp posts of London were designed with a bar sticking out on either side at the top so that the lamplighter could safely rest his ladder on them. London ke lamp posts ko design kiya gaya tha ke ek bar upar se dono taraf chipki hui thi taki lamplighter apni seedhi ko mehfooz tarike se in par rakh sake. Lamplighters moved quickly, carrying their ladder and going up and down it hundreds of times a day. लैंप लाइटर तेजी से हरकत करते अपनी सीढ़ी उठाते और दिन में सैकड़ों बार ऊपर नीचे जाते। द लैंप पोस्ट्स वर डेकोरेटेड विद द रॉयल क्रेस्ट एंड वर लुक्ड आफ्टर केयरफुली बाय द लैंप लाइटर्स। लैंप पोस्टों को शाही क्रेस्ट से सजाया गया था और चिराग रोशन करने वालों ने इनकी एहतियात से देखभाल की थी। व्हेन गैस लैंप्स started to be used from 1805 onwards, they changed the work of the lamp lighters. जब 1805 से गैस लैंपों का इस्तेमाल शुरू हुआ, तो इन्होंने लैंप लाइटर्स का काम बदल दिया। The gas lamps were much quicker to light and didn't require lots of the work like the oil lamps, such as changing the smelly oil and replacing and trimming wicks. गैस लैंप रोशन करने में बहुत तेज थे और तेल के लैंप की तरह बहुत ज्यादा काम की जरूरत नहीं थी, जैसे बदबूदार तेल को तब्दील करना और विक्स को तब्दील करना और तराशना। सम ऑफ द लैंप लाइटर्स फेल्ट देयर जॉब वाज नॉट द सेम एनीमोर। कुछ चिराग रोशन करने वालों को लगा कि इनका काम अब पहले जैसा नहीं रहा। चार्ल्स डिकन्स captured this feeling in the story The Lamp Lighters when one character talks about the change from oil to gas lamps. Charles Dickens ne is ehsaas ko kahani The Lamp Lighters mein qaid kiya jab ek kirdar tel se gas ke lamp mein tabdili ke bare mein baat karta hai. I foresee in this the breaking up of our profession. मैं इसमें अपने पेशे को टूटने का अंदाजा लगा रहा हूँ। There is no more going the rounds to trim by daylight, no more dribbling down of the oil on the heads and bonnets of ladies and gentlemen when one feels in spirits। तराशने के लिए मजीद चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। दिन की रोशनी में ख्वातीनों हजरात की टोपियों और बॉन्टों पर तेल नहीं गिरेगा जब कोई रूह में महसूस करे। एनी लो फेलो कैन लाइट अ गैस लैंप। कोई भी अदना आदमी गैस का चिराग जला सकता है। गैस लैंप्स वर बेटर देन ऑयल लैंप्स इन मेनी वेज, ऑल्दो अ बिग इशू विद देम वाज दैट एवरी नाउ एंड अगेन वन वुड ब्लो अप। गैस के लैंप कई तरीकों से तेल के लैंपों से बेहतर थे, हालांकि इनके साथ एक बड़ा मसला ये था कि बार बार कोई ना कोई उड़ जाएगा। ओवर टाइम गैस लैंप्स रिप्लेस्ड ऑयल लैंप्स। वक्त के साथ साथ तेल के लैंपों की जगह गैस लैंप ने ले ली। लेटर विद द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गैस लैंप्स वर रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रिक लैंप्स व्हिच नाउ डोमिनेट मॉडर्न स्ट्रीट्स। बाद में बिजली की इजाद के साथ गैस के लैंपों की जगह बरकी लैंपों ने ले ली, जो अब जदीद दौर पर हावी हैं। टुडे देयर आर स्टिल 1500 गैस लैंप्स इन लंदन। आज भी लंदन में 1500 गैस लैंप मौजूद हैं। 5 पीपल आर एम्प्लॉयड टू ऑपरेट देम। इनको चलाने के लिए 5 अफराद काम करते हैं। दे लाइट देम एवरी इवनिंग एंड पुट देम आउट एवरी मॉर्निंग। वो हर शाम इनको रोशन करते हैं और हर सुबह बाहर रखते हैं।
These lights are carefully looked after because they are part of the city's history. इन रोशनियों के एहतियात से देखभाल की जाती है क्योंकि ये शहर की तारीख का हिस्सा है. Kensington Palace Gardens is the name of a long avenue in London. Kensington Palace Gardens London के एक तवील रास्ते का नाम है. It is lined with grand old buildings and is lit entirely by gas lamps. ये अजीम शान पुरानी इमारतों से लैस है और रोशन है. There you can imagine what it would have been like in London during the time of Charles Dickens. वहां तसव्वुर किया जा सकता है कि चार्ल्स डिकेंस के दौर में लंदन कैसा होगा. तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है. आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़.